हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। 6.5 क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन हमें इसमें आइडेंटिटी यूज़ नहीं करनी और इवोल्यूट करना है, यूजिंग आइडेंटिटी सॉरी आइडेंटिटी यूज़ करके इवोल्यूट करना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 81 का होल स्क्वायर। हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं ब्रेक। पहले तो इसे या तो 80+1 का होल स्क्वायर लिख लें, या 100-19 का होल स्क्वायर लिख लें। दो तरह से है, हम करेंगे इस वाले तरीके से। हाँ, 80+1 का होल स्क्वायर, 81 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ए का स्क्वायर मतलब 80 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2×80×1, ठीक है। तो देखते हैं 80 का कितना हो गया। 80 का हो गया 6400 प्लस 1 का 1 प्लस 2×80, तो ऐसे हो गया 6101 प्लस 160। अब इसे ऐड कर लेंगे 1656। 81 का होल स्क्वायर होता है 6561, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे, हमें ऐसे ही ब्रेक करने हैं और ऐसे करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें ये नंबर्स दे रखे हैं, इनकी वैल्यूज निकालनी है। पहला क्वेश्चन है 176×176-124×124-50/52। देखो 176×176 का मतलब हो गया 176 का होल स्क्वायर माइनस 124 का होल स्क्वायर अपॉन 52, ठीक है। अब 176 को हमने आइडेंटिटीज को यूज़ करना है, तो वैसे ही हम ब्रेक करते हैं पहले। या 100+76 का हमें होल स्क्वायर पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 200-76। तो देखो 200-24 में ब्रेक किया एक, और एक 100+24 में a-b a+b। तो देखते हैं अब फॉर्म 200 का स्क्वायर कितना हो गया। 200 का स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर माइनस 2×200×24, ठीक है, माइनस 100 का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर प्लस 2×24×100 और फिर अपॉन में 52, ठीक है। अरे सॉल्व करता हूँ मैं पहले, इसे सॉल्व करके ये आ जाएगा और इसे आप इजी कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है, आगे ऐसे ही होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज सेम एज अ क्वेश्चन नंबर 9। मिस हुआ है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। इन सब में से वो निकालनी है, वैल्यू निकालनी है पी की। तो क्या करेंगे 3p=28² - 23² 28 को क्या लिख सकते हैं हम 30-2² - 20=20+3², ठीक है। तो 3p=30² 30² + 2² - 2×30×2 - 20² + 3² - 2×20×3, ठीक है। तो 3p=2 कितना हो जाएगा, 30 का हो गया 900+4-4=120, ठीक है। तो 3p=904-102-400 प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ये प्लस हो गया
तो ये हो गया 129 प्लस 129, तो 3p इज इक्वल्स टू 940 में 904 में से 120 गए, 48 में से 2 गए तो 8 में से 1 गया तो 784 माइनस 925, तो 3p इज इक्वल्स टू 529, 14 में से 9 गए तो 6, 7 में से 2 गए तो 5, और यहाँ पर से 256, तो p इज इक्वल्स टू 256 अपॉन 3, तो p इज इक्वल्स टू 28 जा 24, और 28 जा 54, 25 जा 13, ये आ गई p की वैल्यू। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। और क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 14 की तरह। चलो देखते हैं तब भी क्या करेंगे हम। ये लेंगे 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इसका टू 119, हम इसमें ऐड कर देंगे एडिंग 2 बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, दो दो जोड़ देंगे, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 2। अब एक काम करते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, x 1 अपॉन 4 को मल्टीप्लाई और 1 अपॉन 4 का डिवाइड, इसका जो 114 प्लस 2, देखो इसे तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 4, ये बन गया वैसे हमारा एक 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करते हैं हम, माइनस लेते हैं यहाँ पे माइनस प्लस ही होगा, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे 121, तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज़ टू 11। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 2, सब्ट्रैक्ट 2 बोथ साइड, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करते हैं 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसे क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो कट जाएगा 2 ही बचेगा, तो 11 माइनस 2, ऐसे इसमें से ये कट जाएगा तो ये 2 बचेगा, तो क्या क्या हुआ, ये फॉर्मूला बन गया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इसका टू 9, तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इसका टू 3 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कटेगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये आ गया इसकी वैल्यू। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हमें फाइंड द वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन जो दे रखे हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम, हमें x की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, जो इक्वेशन दे रखी है उसमें हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, वेरी सिंपल, 36 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस 49 y स्क्वायर की जगह 2 अपॉन 7 का होल स्क्वायर प्लस 84 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 इंटू 2 अपॉन 7, और ये सॉल्व कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 मैं समझा देना, आप करके ट्राई करके देखना, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे पहले, फिर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, और 48 है वो उसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस करके ये हो जाएगा, देखो एक बार मैं करके दिखाता हूँ, 4a² b का होल स्क्वायर माइनस 3cd का होल स्क्वायर माइनस 4ab का होल स्क्वायर माइनस 3cd का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू abcd अपॉन 48, तो 16ab a² b² माइनस 9c² d² नहीं हमने गलत कर दिया जी, फॉर्मूला बनना है ये ए माइनस बी और बी माइनस ए का फॉर्मूला बनना है, उस हिसाब से खोल लेना आप, ठीक है, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दूंगा। थैंक यू।